चूरा चांदपुर जिले के 21 साल के स्नातक छात्र हंगलाल मुआन वैफई को कथित तौर पर 4 मई को मणिपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की आलोचना की थी। वैफई की मां का कहना है कि वो पुलिस के पीछे पीछे उस स्टेशन तक गई जहां उसे ले जाया गया था और उन्हें वहीं इंतजार करने को कहा गया। The police told his mother that we have to stay in police station and we have to took your son to the Chanpur SP. And then his mother wait in the police station. When they don't come about around 2 or 3 hours, his mother went to the SP quarter. And then the SP gatekeeper told that no one came here. वैफई की मां का कहना है कि उसके बाद से उन्होंने अपने बेटे को कभी नहीं देखा। वैफई के परिवार का कहना है कि 4 मई को जब पुलिस उसे हाईकोर्ट से सजीवा सेंट्रल जेल ले जा रही थी तो पोरोमपेट इलाके में भीड़ ने उनके वाहन पर हमला कर दिया था। वैफई को बचा रहे एक सब इंस्पेक्टर ने बाद में दर्ज कराई गई एफआईआर में कहा कि एक सशस्त्र भीड़ ने पुलिस वाहन को रोका, पुलिस के हथियार जब्त कर लिए और वैफई पर बेरहमी से हमला किया। एफआईआर में आगे कहा गया कि पुलिसकर्मी मौके से भाग गए जबकि वैफई पर भीड़ ने हमला किया और उसे मार डाला। वैफई के परिवार वालों का कहना है कि उन्हें आज तक उनके बेटे का शव तक नहीं मिला है। उनकी जानकारी के मुताबिक शव को इम्फाल के जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में रखा गया है, लेकिन तनावपूर्ण स्थिति के कारण वो इसे निकाल नहीं पाए हैं।